हमारा नेता कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, समाजवादी पार्टी नसीम अहमद, नसीम अहमद हमारा विधायक कैसा हो। किसानों को उनका न्यूनतम मूल्य मिल रहा है और आज महिला अत्याचार इतना हो रहा है। चौथा हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं पूरे विधानसभा में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। लेकिन चाहे हमारे जो भी सरकार रही हो, मैं सभी सरकार को दोष देना चाहता हूँ। आज खास तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारी, उनसे ही मांग है कि वो जाति जनगणना क्यों नहीं कराती। 27% आरक्षण है, अगर बात समाज के लोग बैठे हों चाहे गुर्जर समाज के हों, पिछड़ों की आबादी आज जो है 54% है उनको। ये सरकार आरक्षण क्यों खत्म कर रही है, ये सब कंपनियों को ज़्यादातर बेच रही है। आप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो, चाहे आपका स्टेट अथॉरिटी ऑफ स्टेट जो है अथॉरिटी सेल जिसको हम कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आज BSNL MTL कोई पूछने वाला नहीं है, आज रेलवे के अच्छे रूटों को उन्होंने बेच दिया गया है। दोस्तों अगर ये सब प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारे जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे। दिल्ली में बैठे हुए हैं हम लोगों के बच्चे, गांव के इतने ज़्यादा पहले से इंग्लिश मीडियम में हम लोगों को आज मौका मिल रहा है। पहले हम लोग सभी गवर्नमेंट के स्कूलों के पढ़े हुए लोग हैं, हम लोगों को उस अधिकारी बनने तक कितनी मेहनत करना पड़ी, कितनी कुर्बानियाँ देना पड़ी हैं। आज अगर इस सब के लिए लड़ाई लड़ना है तो इस भारतीय जनता पार्टी को आपको उखाड़ना फेंका होगा, क्योंकि इनकी मंशा बहुत लंबे दूर तक है। ये आज भाई को भाई से धर्म के नाम पर लड़ा रही है। मैं पूछता हूँ, चलो ठीक है आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि कोरोना के अंदर इतने लोग मारे गए जिनकी चिताएं कि जलाने के लिए आपको शमशान कम पड़ गया, और आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपने परिवारजनों को नदियों में बहा दिया, क्या वो हिंदू भाई हमारे नहीं थे। आज जो लोग कोरोना में मारे गए वो लोग उनका कोई धर्म जाति नहीं था, केवल इसलिए मारे गए कि 1-1 लाख तक का सिलेंडर फ्लेक में बिक गया, 1,000 से लेके 1 लाख तक का, जिसकी कीमत मात्र 300-400 रुपए की। कितने लोगों ने जान खो दी, जो जहां था ऐसी इमरजेंसी लगा दी मोदी जी ने कि जो जहां था वहीं के वहीं रुक गया, इसके लिए समय लेना चाहिए था। और उनका ट्रेन और बस का अरेंजमेंट भी आपने बंद कर दिया लॉकडाउन लगाने के बाद। उसके बाद क्या हालत हुआ कि लोग बिहार उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग थे, उनमें कम से कम 10% आबादी आते आते खत्म हो गई और बाकी जो बची वो बेरोजगार हो गई। पूरा हिंदुस्तान का पार्लियामेंट लग गया लेकिन उसे हरा नहीं पाया, क्योंकि आज केजरीवाल का हाल दे दीजिए, काम बोलता है। हमें आपके मन की बात नहीं सुनना है, हमें अपने बसुपुरा के लोग और हाफिजगंज के लोगों को अपने मन की बात कहना है कि हमारी पुलिया बनवा दीजिए जो, और बसुपुरा से लेकर यहाँ तक का कच्चा रास्ता उसे पक्का कराइए, और जो पक्का आपने नहीं कराया पिछले मंत्री ने, इस मंत्री ने, इन्हें 10-10 साल बहुत मौका देकर देख लिया। एक ईमानदार आदमी को देख लीजिए जिनने आपके लिए नौकरी छोड़ दी, एक गजेटेड ऑफिसर की पद पर छोड़ने के बाद यहाँ कोई कमी नहीं थी पैसे की, किसी बात का कोई कमी अगर होती तो मैं आज ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा भी दिल दर्द था। मैंने 58 लाख रुपये फीस बांटी, आज काफ़ी लड़के PCS IAS में हमारे यहाँ के निकल रहे हैं, काफ़ी डॉक्टर बन चुके हैं, और उनमें बगैर पक्षपात के सबसे ज़्यादा गंगवार समाज के लड़कों ने आवेदन करा उन्हें मिली, मौर्य समाज का करा उन्हें मिली। आज बताइए आप, हमारा आपके सामने एक ऐसा आदमी आया जिसके अंदर बैठने के अंदर एक आरोप नहीं, एक